नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल सोवेस्ट्रो में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको अप्सरा साधना के विधान बताएंगे। जब कभी लोग साधना में बढ़ते हैं या तपस्या में अग्रसर होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहावते हैं कि भाई अगर आप साधना करोगे, तपस्या करोगे तो अप्सराएं यानी स्वर्ग लोग से अप्सराएं आ करके आप कि साधना को भंग कर देंगी, आपकी तपस्या को भंग कर देंगी। आज इन्हीं पर चर्चा होगी और इन्हीं को हम विस्तार से बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है, जब आपकी तपस्या उस स्तर पर बढ़ जाती है कि आप स्वर्ग इत्यादि लोकों को अपने तप से प्रभावित करने लगते हैं, तब वो देवलोक की अप्सराएं इंद्र जैसे जो राजा हैं वहां की तभी भेजते हैं। सामान्य जो मनुष्य उसके लिए अप्सराएं नहीं होती, परंतु ये अप्सराएं देवलोक की हैं, इनकी साधना साधक कर सकता है। इनकी साधना हमें क्यों करनी चाहिए? जिस व्यक्ति को सांसारिक उन्नति चाहिए। कौन सी उन्नति? सांसारिक उन्नति चाहिए। संसार जो ये भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में मान वैभव धन संपदा इत्यादि विषय वस्तु की अगर आवश्यकता हो तो वह लोग इन साधनाओं को कर सकते हैं, अप्सरा जैसी साधनाओं को कर सकते हैं। स्वर्ग में कुछ ऐसी अप्सराएं हैं जो फेमस हैं, जैसे मेनका, रंभा, उर्वशी इत्यादि। ये अप्सराएं स्वर्ग लोक की हैं, ये बहुत सिद्ध मानी गई हैं, बहुत फेमस मानी गई हैं। मेनका जो अप्सरा थी वह विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए आई थी और बाद में दोनों लोगों का विवाह हुआ और विवाह के बाद जो है एक बच्ची का भी जन्म हुआ, ये पौराणिक कहावत है। उर्वशी इत्यादि अप्सरा, उर्वशी को तो भगवान ने अपने भगवान नाम नारायण ने अपने जंगे से प्रकट किया था, क्योंकि उस समय रंभा और मेनका इत्यादि अप्सरा भगवान नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए आई थी। तो ये कुछ अप्सराओं के राज थे जो मैंने आपको बताए। आज अप्सराओं के मंत्र बताएंगे, अप्सराओं के मंत्र की विधियां आपको बताएंगे और कैसे आती हैं या भी बताएंगे, कहां पर साधना करना चाहिए या भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और एक सूचना, अगर आपको मेरा चैनल ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने एक नोटिफिकेशन में बता भी दिया था कि अब हफ्ते में आपको एक ही वीडियो डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। आज मान लीजिए हम आपको अप्सरा प्रोग्राम के विषय में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। अगले हफ्ते में हम यक्षिणी का लेकर के आएंगे, अगले हफ्ते में हम आपको किसी प्रेत का लेकर के आएंगे, ब्रह्म राक्षस का लेकर के आएंगे इत्यादि। ये ब्रह्म राक्षस कौन है, क्या है, उस प्रोग्राम में पूरा हम आपको बताएंगे। साथ ही अगर आप कोई साधना करना भी चाहते हैं या जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई दोष है, काल सब दोष, या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, किसी विषय वस्तु पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है। आप उस संपर्क सूत्र पर आप हमसे कॉल करके अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने घर के विषय में आप जानकारी, बृहद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जन्म कुंडली PDF 35 पृष्ठों का आप हमसे बनवा सकते हो। चलिए अब आते हैं मूल विषय पर। कोई भी साधना के लिए समय, शास्त्रों ने अलग अलग तिथियां और समय निश्चित किया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब आपका मन तैयार हो जाए उसी समय साधना शुरू करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है। क्योंकि बहुत सारी तिथियां हैं, बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं, उस मुहूर्त में आपका मन ही ना तैयार हो, मन आपका उस समय तैयार ही ना हो, कहीं दूसरी जगह जाने को बोल रहा हो, आपका शरीर स्वस्थ ना हो, मन शरीर स्वस्थ ना हो, तो वो तिथियां बेकार चली जाएंगी। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव अभी तक ये रहा है कि आपका शरीर साधना के लिए परफेक्ट होना चाहिए, आपका मन साधना के लिए परफेक्ट होना चाहिए। जब आपका मन और आपका शरीर दोनों परफेक्ट हो जाए तो समझ लीजिए वही अच्छी तिथि है। अब वो तिथि कोई भी दिन हो सकता है, सोमवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, कोई भी तिथि। जब साधना में आपका पूरा जो ये मनोवृत्ति है, मनोभाव है, कंफर्टेबल लगने लगे तो समझ लीजिए कि अब साधना की तिथि आ गई है। मैं मुहूर्त में नहीं जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपके शरीर और मन को एक साथ करने में लगा हुआ हूँ। अब बहुत सारा अच्छा मुहूर्त है, आज विजयादशमी है, आज ग्रहण है, आप पता चला कि आपको दस्त लग गई या उल्टी हो रही है, बहुत तेज फीवर आ गया है, तो आप साधना करने में असमर्थ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन स्वस्थ हुई तो साधना ही ना करें, अब 2 साल इंतजार करें,
क्यों इंतजार करें? जब जागो तभी सवेरा। जब आप जाग जाए अर्थात जब आपकी चेतना अध्यात्म पर बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि अब आप सही रास्ते पर हैं, सही मार्गदर्शन में हैं। बहुत ज्यादा झंझा जो झंझट है झंझटवाट है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको एकाग्रता से धैर्य से किसी के मार्गदर्शन में अपने पथ पर अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो कभी भी किसी दिन से आप शुरू कर सकते हो साधना को। साधना के लिए जो आवश्यक जरूरी चीजें हैं, वैसे तो पूजा पाठ में बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ मैं पूजा पाठ नहीं बताने आया हूँ आपको, अप्सरा की एक साधना बताने आया हूँ। साधना में आवश्यक जो चीजें हैं वह है रुद्राक्ष की एक माला होनी चाहिए रुद्राक्ष की। वस्त्र में सिले हुए वस्त्र ना हो, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए या कोई भी वस्त्र धारण कर लीजिए। आपको सफेद अच्छा लग रहा है तो सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए, लेकिन लाल वस्त्र धारण करेंगे तो सही रहेगा। अब इतना भी आदमी नहीं गिर गया है, इतना भी कमजोर नहीं हो गया कि उसे लाल वस्त्र ना प्राप्त हो जाए। अगर नहीं किसी व्यक्ति से कहोगे कि मुझे लाल वस्त्र खरीदवा दीजिए, या मेरा जो वीडियो देख रहा है वो इतना सक्षम है कि 25,000 का फोन चला सकता है तो 200 रुपये का एक अचला खरीद सकता है, तो एक अचले की एक माले की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास माला और अचला आ गया, अब जरूरत क्या है? स्थान की। स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ आप डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। आप अपने कमरे पर साधना कर रहे हैं, पता लगा कि आपकी पत्नी चिल्ला रही भोजन लीजिए, बच्चे चिल्ला रहे हैं कि किताब लाइए पानी लाइए, तो आप डिस्टर्ब होंगे। तो साधना के लिए स्थान बड़ा महत्व रखता है। स्थान कहाँ होना चाहिए? एकांत, इसलिए कहा गया है। लोग ऋषि महर्षि बेवकूफ नहीं थे जो वनों में जाते थे, वनों में इसीलिए जाते थे कि वहां उनको एकांत मिल जाता, पर्वत पहाड़ नदियां या किसी वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे वहां पर जाकर के तप करते थे। तो आपको ऐसे एकांत स्थान की जरूरत पड़ेगी। कौन से स्थान की? एकांत स्थान की। एकांत स्थान में आप जाइए, वहां के वातावरण को समझिए, अपने अनुरूप समझिए कि आपके अनुरूप है। वैसा भी नहीं कि कहीं शेर रहता हो और आप वहां रहने लगे तो पता लगे कि डकार जाए, आपको ही खा जाए, तो आप साधना क्या खाक करेंगे। तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए आप सुरक्षित जगह का चयन करें। कौन सी जगह का? सुरक्षित जगह का, जहां पर आप साधना कर सकें, साधना में कोई दिक्कत आपको ना हो, ऐसी जगह का आप चयन कर लें। फिर आपको क्या करना है, जब वहां पर जाएंगे किसी स्थान पर, तो वहां का स्थान देवता होता है, कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, स्थान देवता को, तो स्थान देवता को आपको प्रणाम करना है कि हे स्थान देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं अमुक साधना के लिए आपकी शरण में आया हूँ, मैं इतने दिन तक रहूंगा, आज से मेरी पूरी जिम्मेदारी है वो आपकी होगी, मैं आपके शरण में हूँ। इस प्रकार स्थान देवता को प्रणाम करके उनको बता दीजिए। अब क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म। वहां पर जो स्थान देव हैं वो आपकी रक्षा करेंगे अन्य जीव जंतु हिंसक पशुओं से इत्यादि से। फिर भी अपना मनोभाव देखते रहना है कि आपको कोई नुकसान ना हो। ये बात आपको क्लियर हो गया। साधना का एक समय आपको निश्चित करना है, 24 घंटे साधना कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब आपका स्तर उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, तो एक समय निश्चित कर लीजिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है या दोपहर में करना है या रात्रि काल। मैं डिसाइड करूंगा कि जब आप जंगल जाइए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में और मध्यान्ह काल अर्थात दोपहर में और रात्रि काल त्रिकाल साधना करिए। ये मेरा अनुभव है अप्सरा के लिए, दूसरा साधना बता रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में आप 2 बजे के बाद उठ जाइए, यानी 3 से 2 के अगर जो समय है उसमें उठ जाइए। आधा घंटा लगेगा, आप अपना शौच आदि से निवृत्त हो जाइए। होने के बाद आप एक आसन बिछा लीजिए, सुखासन, एक जल का पात्र रखिए। पहले मुख शुद्धि करिए, फिर पवित्रीकरण करिए। मुख शुद्धि पवित्रीकरण के बाद, जब मुख शुद्धि हो जाए, पवित्रीकरण आपका हो जाए, फिर जो है संकल्प लीजिए, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं अमुक व्यक्ति अमुक गोत्र का आज से इतने दिन पर्यंत, आप 21 दिन की उपासना करना चाहते हैं तो 21 दिन बोल दीजिए, 11 दिन की उपासना करना चाहते हैं तो 11 दिन बोल दीजिए, इतने दिन से इतने दिन तक, ये इस अप्सरा के जो बता रहा हूँ साधना करूँगा, इस प्रकार संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद भगवान गणेश शुभ के देवता हैं, मंगल के प्रतीक हैं। उनका सामने सा जो श्लोक है वो हर व्यक्ति के मुख पर
समझ लीजिए धरा हुआ है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वजा, मंगलम कुंडलीकाक्षाय, मंगलायतन हरि, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकूट समप्रभा, निर्विघ्नं कुरुमे देवि सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्व कार्यों की सिद्धि कराने वाले भगवान गणेश, आप उनको प्रणाम करें। इसके बाद आप गणेश भगवान की मंत्र का एक माला जप करें। उनका मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम गम गणपतये नमः। ये भगवान गणेश का मंत्र है। गणेश भगवान के मंत्र के बाद अप्सरा के जो मूल मंत्र हैं, अब मैं बता रहा हूँ अप्सरा के मूल मंत्र। अप्सरा का जो मंत्र है, क्योंकि मैं रंभा अप्सरा का यहाँ विधान बताने वाला हूँ, सुन लीजिए। रंभा अप्सरा का जो मूल मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम रंभा आगच्छ आगच्छ ओम फट, ओम ह्रीम श्रीम रंभा अप्सरा आगच्छ आगच्छ ओम फट, यह मंत्र है। इस मंत्र का एक संख्या निश्चित कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आज 10 माला कर रहे हैं, परसों 20 माला करें। अगर आज आपको 21 माला जप करना है तो दोपहर में भी 21 करना है और सायंकाल में भी 21 करना है। तो 21 माला दोपहर, 21 माला शाम, 21 माला ब्रह्म मुहूर्त में, वो अपने क्षमता पर डिसाइड कर दी। मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतना इतना आपको करना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब ये नहीं कि मैं किसी एकांत जगह ही बता रहा हूँ, इसका मतलब समझे कि एकांत जगह ही जंगल पहाड़ों में। अगर ये वातावरण, शांत वातावरण आपको घर में मिल जा रहा है या कोई किसी मंदिर में मिल जा रहा है, तो ये चीज़ मंदिर और घर में भी कर सकते हो, कहीं बाहर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि जब आपका मन और शरीर तैयार हो जाए कि अब मैं साधना करूंगा, तब समझ लीजिए कि आप साधना के लिए परफेक्ट हैं, तिथि विचार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपका मन भी तैयार है, शरीर भी तैयार है, तो तिथि भी विचार कर लीजिए। तो सोने पे सुहागा हो गया। अब आप ये दिमाग में लगाइए कि मेरा मन सब तैयार है, तिथि की विचार ना करें। जब आपका सब तैयार है, तिथि भी विचार कर लीजिए। तिथि भी जरूरत है, मुहूर्त भी जरूरत है, क्योंकि बिना मुहूर्त कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मैं उन लोगों के लिए बताया जो अस्वस्थ रहते हैं, स्वस्थता बहुत कम आती है उनके जीवन में, तो उनके लिए मैंने बताया कि वो जो है अपना शरीर अपना मन तैयार कर ले, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अब आपका शरीर भी तैयार है, आपका मन भी तैयार है, तो तिथि को भी देखें, किसी अच्छे योग गुरु से तिथि लेकर के। वैसे मैं बता देता हूँ कि सोमवार शुक्रवार साधना में विशेष दिन माना जाता है, इस दिन आप शुरू कर सकते हो। महीना जो है श्रवण मास का महीना और कार्तिक मास का महीना, ये बहुत शुभ माना जाता है साधना क्षेत्र में, या चैत नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, इसमें आप साधना के लिए परफेक्ट हैं। इस समय पर जो है साधना कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि 21 माला ऐसे ही करना है, 11 कम नहीं करना है। संकल्प में जो आपने लिया था 11 दिन का या 21 दिन का, उस संकल्प के दिन तक आपको वैसे ही अपना दिनचर्या बना करके जप करना है। ध्यान रखना है जप के दौरान जो सावधानियां हैं, व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक आपको नहीं बोलना है। जप तप ये आपको करना है, जो समय बचे वह स्वाध्याय और ईश्वर नाम संकीर्तन में ही लगाएं, कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा से ही बिन हर कृपा मिले ही नहीं संता। हरि की कृपा के बिना कुछ जगत में कुछ संभव है ही नहीं, इसलिए हरि की कृपा अवश्य अपने आपको डालिए उस वातावरण में, उस माहौल में, कि हरि की कृपा बने, हरि की कृपा को प्राप्त करिए। तो जो शेष समय है वह हरि कीर्तन में लगाइए और सुबह शाम दोपहर जप करिए। 11 दिन 21 दिन जो संकल्प आपने ले लिया हो, उस संकल्प के दिन तक जप करिए। जब आप जप करेंगे उतने दिन तक, तो धीरे धीरे आप में एक अलग ऊर्जा निकलेगी आपके शरीर से। आप महसूस करेंगे कि हाँ, अब मैं भौतिक नहीं, आध्यात्मिक शक्तिशाली बन रहा हूँ। आध्यात्मिक स्तर जो मेरा है वो ऊपर उठ रहा है। मैं आसपास के जो वातावरण है, अब देखिए मैं यहाँ दिखता हूँ, देख रहा हूँ सामने। जब आपके पास आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, तो पूरा विराट आप देखने लगेंगे और और महसूस होने लगेंगे, प्रकृति को समझने लगेंगे। धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक जब सामान्य व्यक्ति घर पर रहता है तो उसको लगता है दुनिया इतनी बड़ी है। जब बड़ा आदमी बनता है तो उसका वातावरण और बड़ा हो जाता है। जब वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाता है तो पूरा विश्व को अपने आप में देखने लगता है। उसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाएंगे, तो पूरा जो है ब्रह्मांड वो मैं जो है अपने आप में देखने लोगों के समझ में आने लगे। कुछ चीज़ें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भोजन अपने हाथों से बनाएं, रोटी घी नमक दूध एक गिलास ले सकते हैं, फल में केला वगैरह खा सकते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना है, या आपको ध्यान में रखना है। जब आप
साधना करोगे तो तमाम परीक्षाएं भी होंगी। जैसे साधना के वक्त आपके सामने शेर भी आ सकता है, तो आपको डरना नहीं है कि शेर आ गया, वो एक छाया रहेगा आपकी तपस्या को भंग करने की, एक जाल रहेगा। शेर भी आ जाएगा, तमाम प्रकार के सर्प आ जाएंगे, भूत प्रेत, तमाम आवाजें आएंगी, ये सब आने लगेंगे, परंतु इन सब आवाजों से आपको डरना नहीं है। आपको निश्चित ही अपने मंत्र पर, अपने इष्ट पर ध्यान लगाकर जप करते जाना है। अगर आप इस साधना को करने में सफल होते हो तो अप्सरा एक दिन आपके सामने शाह शरीर उपस्थित होगी, और बस होने के बाद आप उस अप्सरा से बात कर सकते हो, अप्सरा से अपने भाव को कह सकते हो, और जो भाव अप्सरा से कहोगे उस प्रकार उस भाव से अप्सरा आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगी। यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप साधना करना चाहते हैं, हमसे साधना लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे संपर्क सूत्र दिया गया है, उस संपर्क सूत्र पर हम आपको साधना प्रोवाइड करा देंगे, साधना के विषय में आपको बता देंगे, साधना से गुप्त जानकारी आपको बता देंगे। साथ ही हमारा चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं नमस्कार।